माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनके तपस्विनी रूप को देखकर ही हमें जीवन में संयम और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। माला साधना और तप का प्रतीक है, जबकि कमंडल से जल शुद्धता और शांति का संकेत देता है। इस रूप में माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए मिश्री, पंचामृत, अक्षत, रोली, सिंदूर, फूल और नैवेद्य भोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सफेद पुष्प और दूध का भी प्रयोग पूजा में किया जाता है, क्योंकि ये शांति और सात्विकता के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा शुरू करने से पहले माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से प्रतिमा शुद्ध होती है और पूजा का माहौल पवित्र हो जाता है। माँ की प्रतिमा पर गंध, रोली और अक्षत अर्पित करें। ये पूजा सामग्री माँ के प्रति सम्मान और आदर को दर्शाती है। मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। यह भोग माँ को मिठास और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। अब एक दीपक जलाकर देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि मन एकाग्र रहे और श्रद्धा पूर्वक माँ का स्मरण हो। बाद माँ की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं और सफेद पुष्प अर्पित करें। यह माँ ब्रह्मचारिणी के शांत और सात्विक रूप को संतुष्ट करता है। अंत में माँ की आरती करें। आरती के बोल इस प्रकार हैं। आरती। जय ब्रह्मचारिणी मैया, सब सुख की दाता, तेरी आरती गाऊं मैं जोड़े विधाता। आरती करते समय दीपक को घड़ी की दिशा में घुमाएं और माँ से अपने जीवन में संयम और धैर्य की कामना करें। आरती के बाद माँ को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक के जीवन में संयम, आत्मबल और धैर्य की वृद्धि होती है। यह पूजा साधना, तप और आत्मिक शक्ति को मजबूत करती है, जिससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं आसानी से पार हो जाती हैं।